भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को संध्या में नगर में जोशो खरोश के साथ अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा बाइक रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ हर घर तिरंगा लहराएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे के नारे लगा रहे थे। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ नगर सासा होली से किया गया। इस दौरान एक वाहन को भव्य रूप से पोस्टर, बैनर व तिरंगा के साथ सजाया गया था। तिरंगा यात्रा सासा होली से निकलकर स्टेशन चौक, बनिया पारा, सिंधी कैंप होते हुए गांधी चौक, नेवरा पर संपन्न हुआ। यहां पर अतिथियों ने सभा को संबोधित किया और अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि तिरंगा देश का सम्मान और स्वाभिमान है और हर देशवासी का गुरूर है। आजादी के अमृत महोत्सव पर लोगों में हर घर तिरंगा लहराने को लेकर जागरूकता लाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, लक्ष्मी बघेल, टंकराम वर्मा, नगरपालिका उपाध्यक्ष विकास सुखवानी, पार्षद चंद्रकला वर्मा, सतीश निषाद, मनोज निषाद के साथ साथ बीजेपी के शहर एवं ग्रामीण के कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस तिरंगा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की। टिल्डा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर में 13 तारीख से 15 तारीख तक के तिरंगा झंडा लगाने का जो अभियान है, आज पूरे देश के अंदर में एक जुनून है। लोग पैसा लेके दुकानों के अंदर में जा रहे हैं, जमीन झंडा खरीदने के लिए, झंडा मिल नहीं रहा है। और सबने तय किया और छत्तीसगढ़ ने भी तय किया कि जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में हर घर के अंदर में हम जो है तिरंगा झंडा लगाएंगे, राष्ट्र के भाव के साथ में जुड़ेंगे, राष्ट्रीयता के साथ में जुड़ेंगे। आजादी का अमृत काल, देश की आजादी के 75 साल, और इस कालखंड के अंदर में आने वाली पीढ़ी जो है वो राष्ट्रीयता के साथ में जुड़ेगी तो नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत उसका सहयोगी बनेगी। अमीर आदमी के घर में नहीं, एक गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती में भी, एक झुग्गी झोपड़ी में भी झंडा, तिरंगा झंडा फहरे और उसके मन में राष्ट्रीयता की भावना का जागरण हो, देशभक्ति की भावना का जागरण हो, क्योंकि जो राष्ट्रीयता है वो सभी समस्याओं का समाधान है। हमने पूरे छत्तीसगढ़ में 25 लाख घरों में झंडा फहरे ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं और लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में कोशिश चल रही है। ये कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं है, ये देश का है और इसलिए हम चाहेंगे कि हर पार्टी के लोग, हर समाज के लोग, हर तबके के लोग, हर स्तर के लोग अपने घरों में झंडा फहराएं। प्रत्येक देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि 15 अगस्त 2022 हमारे आजादी का 75 वर्ष पूरा हुआ है और इस वर्ष को पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घर घर तिरंगा का अभियान सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। आज उस अभियान के अंतर्गत तिरंगा में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसमें सम्मिलित होने में आया। देखिए, तिरंगा यात्रा का जो रूट है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तय किया, स्थानीय कार्यकर्ता साथ चले। मैं इस अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं समस्त कार्यकर्ता, देश प्रदेश की जनता और हम लोगों ने तो ये नारा दिया है कि छत्तीसगढ़ ने ठाना है हर घर तिरंगा लहराना है और आज तिरंगों की जो है इतने लोगों की मांग हो गई है कि आज तिरंगा सब पूर्ति करने में भी हम लोग जो है असफल हो रहे हैं, मगर लोग जा जा के पैसा दे के लोग खरीद रहे हैं। आज ये मोदी जी के आह्वान को सफल बनाने के लिए पूरे भारत देश के नागरिक जो है तिरंगा लहराने के लिए आतुर है और मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव बहुत ही सफल और देश में राष्ट्रीयता का भाव जगाने वाला त्यौहार।